हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अच्छे तो होंगे ही, क्योंकि आज संडे है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अमेजिंग एनिमी अपडेट्स लेकर आया हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग नरूटो के बारे में बात करेंगे, अटैक और टाइटन के बारे में बात करेंगे, डीमन स्लेयर के बारे में बात करेंगे। इसलिए चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं क्रंचीरोल इंडिया के कुछ अपडेट्स के बारे में। तो द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड का जो एनिमे है वो सब और डब वर्जन में स्ट्रीम हो रहा है क्रंचीरोल के ऊपर। इसके बाद क्रंचीरोल इंडिया की तरफ से बहुत ही बड़ा एनिमे का अपडेट निकल के आया है। तो टॉयलेट बॉन्ड हनाको उनका जो एनिमे है वो हिंदी डब में स्ट्रीम हो रहा है क्रंचीरोल के ऊपर। और इस एनिमे के दो एपिसोड जो है वो हिंदी डब में अवेलेबल भी हो चुके हैं क्रंचीरोल के ऊपर। तो अगर आप लोग इस एनिमे को हिंदी डब में देखना है तो आप लोग जाके इस एनिमे को देख सकते हो क्रंचीरोल के ऊपर। वैसे ही इसकी हिंदी डबिंग जो है वो काफी ज्यादा कमाल की गई है। और टू बी ऑनेस्ट, इसकी हिंदी डबिंग जो है मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस एनिमे का हिंदी डब जाके देख सकते हो। इसके अलावा अब हम लोग बात करें डीमन स्लेयर सीजन 3 के बारे में। तो डीमन स्लेयर सीजन 3 को लेकर एक न्यूज निकल के आई है कि उसकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को मार्च 1 में जाके फिर से पता चलेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं कि इस बार वो लोग क्या रिवील करने वाले हैं। वैसे ही पूरा एपिसोड जो है वो लीक हो चुका है YouTube के ऊपर, तब वो लोग इससे ज्यादा क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। बट देखते हैं कि अब 1 मार्च को हम लोग क्या पता चलता है। वैसे तो पिछले बार हम लोग को ट्रेलर देखने को मिला था डीमन स्लेयर का, इस बार देखते हैं कि इस बार हम लोग क्या देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग बात करें अब AOT के फाइनल सीजन के बारे में। तो AOT का फाइनल सीजन को लेकर एक न्यू ट्रेलर निकल के आया है और इस ट्रेलर के अंदर हम लोगों को और कुछ न्यू सीन्स देखने को मिल रहे हैं। एंड सच में मप्पा स्टूडियो ने काफी ज्यादा कमाल का काम किया है। मतलब इस न्यू ट्रेलर के अंदर एनिमेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है AOT की। मतलब हम लोग काफी इनसेन लेवल की एनिमेशन जो है वो इस बार AOT के अंदर देखने को मिलने वाली है। एंड इसके अलावा जब मैं ट्रेलर देख रहा था तब मुझे लिटरली गूजबम्स आ गए थे। मतलब पूरा ट्रेलर देखने टाइम सिर्फ गूजबम्स से गूजबम्स ही आ रहे थे। और इसके अलावा आप लोगों को नहीं पता कि AOT कब आने वाला है, तो AOT जो है वो 3 मार्च को 2023 में देखने को मिलेगा। वेल, मैं AOT के फाइनल सीजन एपिसोड 1 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन जाके जरूर बता देना। इसके अलावा अब हम लोग बात करें सोनी ये के अपडेट के बारे में। तो IGN इंडिया ने फिर से रोनो जॉय चक्रवर्ती, जो कि सोनी के प्रोग्रामिंग हेड है, उनका फिर से इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने फिर से कुछ सवाल पूछे हैं IGN इंडिया ने। और यहाँ पे रोनो जॉय चक्रवर्ती सर ने हम लोगों को फिर से काफी सारी चीजें जो है वो रिवील की है नरूटो को लेकर। और अगर आप लोग मेरे बहुत ही ज्यादा पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नरूटो सीजन 1 जो है वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए सोनी के ऊपर टेलीकास्ट हुआ था, क्योंकि सोनी जो है वो चेक करना चाहते थे कि नरूटो को पॉपुलरिटी मिलती है कि नहीं, और उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और यही बात जो है वो उन्होंने फिर से अपने इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने सीजन 1 को सिर्फ इसीलिए टेलीकास्ट किया था क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट कर रहे थे नरूटो को कि नरूटो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं। बट नरूटो को काफी अच्छी ऑडियंस मिली, 18 मिलियन प्लस ऑडियंस मिली है नरूटो को। और ये सिर्फ हिंदी डब की ऑडियंस नहीं है, सोनी जो है वो बाकी जितने भी लैंग्वेज में नरूटो को डब करते हैं उन सभी ऑडियंस को देखा जाए तो उन सभी ऑडियंस को जोड़ने के बाद 18 मिलियन ऑडियंस जो है वो नरूटो को अभी देख रही है। एंड इसके अलावा सोनी ने जैसा सोचा था वैसे ही नरूटो ने ऑडियंस टारगेट किया। मतलब 13 से 30 एज ग्रुप के लोगों ने नरूटो को देखा है, जिसमें टीनेजर और एडल्ट भी शामिल है। एंड ये चीज रोनो जॉय चक्रवर्ती सर ने हम लोग को अच्छे से बताया है कि उन्हें पता था कि नरूटो को टीनेजर ऑडियंस और एडल्ट ऑडियंस देखेंगे, और ये चीज सोनी भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने नरूटो को स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा था कि नरूटो से जो है वो बड़ी एज ग्रुप के लोग को भी वो टारगेट कर सकते हैं, जैसे टीनेजर और एडल्ट के ऑडियंस को। और ये चीज हम लोग को नरूटो आने के बाद पता चल गया कि नरूटो को जो है वो काफी एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, क्योंकि सोनी को पहले से पता था कि नरूटो जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एनिमे है, तो अगर वो इंडिया में आएगा तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलना ही था। और अब इन चीजों को देखने के बाद एक चीज तो साफ पता चल गई है कि नरूटो TRP जो है वो काफी अच्छी मिल रही है सोनी के ऊपर। और अब इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद सोनी ने सोचा कि वो लोग इस बार नरूटो के 3 सीजन लाएंगे, जैसे 2, 3, 4। और अब वो लोग नरूटो के और भी सीजन लाने वाले हैं फ्यूचर में, जैसा कि उन्होंने अपडेट दे दिया कि वो लोग सीजन 5, 6, 7, 8 एक साथ लाएंगे। एंड इसके अलावा रोनो जॉय चक्रवर्ती सर से एक और चीज पूछी गई थी कि वो नरूटो के बाद कौन सा एनिमे लाने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर। तो इसको लेकर रोनो जॉय चक्रवर्ती सर ने कोई साफ आंसर तो नहीं दिया, बट उन्होंने ये कहा है कि वो लोग अभी काफी सारे एनिमे के लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं और वो लोग काफी सारे न्यू एनिमे जो है वो हम लोग को लाएंगे फ्यूचर में। और सोनी के ऊपर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोग को कुछ बड़े बड़े एनिमे जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड शायद अब हो सकता है कि हम लोग को सोनी के ऊपर नरूटो के बाद 1 पीस देखने को मिल जाए। वैसे तो सब नरूटो शिपुडेन की डिमांड कर रहे हैं, बट सोनी अभी जिस फॉर्म में चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो सोनी जो है वो अभी कोई सा भी एनिमे ला सकते हैं। बट अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है सोनी के नेक्स्ट एनिमे को लेकर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता देना। इसके अलावा हम बात करें अब सोनिक निकलोडियन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोग अपनी पुरानी वीडियोस में कहा था कि सोनी के ऊपर जो है हम लोग को कोई पुराना एनिमे देखने को नहीं मिलेगा, इस बार जो है हम लोग को कोई न्यू एनिमे देखने को मिलेगा। और जो न्यू एनिमे हम लोग को देखने को मिलने वाला है वो कोई नॉर्मल एनिमे नहीं होगा, वो एक PG-13 एनिमे होगा। और PG-13 के अंदर हम लोग काफी सारे पॉपुलर एनिमेज भी आते हैं, तो हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोनिक निकलोडियन के ऊपर हम लोगों को कोई अच्छा एनिमे देखने को मिले। वेल, मुझे तो पूरा यकीन है कि हम लोगों को सोनिक के ऊपर एक अच्छा एनिमे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक सोनिक के हेड जो है वो अभिषेक दत्ता सर है तब तक हम लोग निक से अच्छे एनिमेज की उम्मीद कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे वॉइस आर्टिस्ट जो है वो कुछ एनिमे डब कर रहे हैं शायद, और वो कोई एनिमे भी हो सकता है, कोई कार्टून भी हो सकता है। वेल, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो कोई न्यू एनिमे को डब कर रहे हैं, तो शायद इसी रिलेटेड वो लोग फोटो डाल के कह रहे हैं कि हम लोग को कोई एनिमे गेस करना है। वेल, इन सबको देखने के बाद मैं बस आप लोग यही कहूँगा कि हम लोग को समर्स के टाइम जो है वो काफी अच्छे अच्छे एनिमे जो है वो अनाउंस होंगे, जैसे सोनिक के ऊपर समर्स के टाइम कोई अच्छा एनिमे अनाउंस हो सकता है और सोनिक के ऊपर भी कोई अच्छा एनिमे जो है वो हम लोग को देखने को मिल सकता है। वेल, काफी सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि वन पीस जो है वो हम लोग को
सोनिक निकलोडियन के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, बट मुझे वन पीस का जहां तक लगता है तो मुझे लगता है कि वो सोनी ये के ऊपर ही आएगा। बट फिर भी मैं आप लोग हमेशा कहता हूँ कि जब तक ऑफिशियल अपडेट ना आ जाता तब तक यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए समझ के टाइम तक का वेट करते हैं और जैसे ही उस टाइम तक कोई ऑफिशियल अपडेट पता चलेगा वैसे ही मैं आप लोग बता दूंगा। वेल अब आप लोग समर्स के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। वेल अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो मैं तो समर्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड बस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोगों को सारे अपडेट्स आज के अच्छे लगे होंगे। अगर सारे अपडेट्स आज के अच्छे लगे हैं तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। एंड मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।